आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज एब्सॉप्शनल एंड मार्जिन कॉस्टिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्टिंग क्या है एब्सॉपशन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है और ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों इस्तेमाल करती है तो सबसे पहले अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो कॉस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड एक्सपेंसिस या अखराज डिटर्मिन करके उस प्रोडक्ट को चार्ज कर सके है अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो प्रोडक्ट बनाने में जितना भी खर्चा आया है उस सारे खर्चे को प्रोडक्ट पे चार्ज करने का जो अमल है उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी जो दो तरह की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है एक जीन्स और दूसरी टी शर्ट्स अब यहाँ पे कॉस्टिंग का क्या मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड बेशक वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड ओवरहेड है जब वो ये तमाम कॉस्ट जीन्स या टी शर्ट को चार्ज करेगी तो ये तमाम अमल कॉस्टिंग कहलाएगा क्योंकि इसमें तमाम जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट को चार्ज की जा रही है अब बात करते हैं एब्जॉर्बन कॉस्टिंग की तो एब्जॉपन कॉस्टिंग बेसिकली ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं अब तमाम ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह की कॉस्ट इंक्लूड होंगी जैसे कि सपोज जो जीन्स है उसको हम कहते हैं कि ये एबजॉपन कॉस्टिंग के थ्रू इसको इसको जो कॉस्ट है वो चार्ज की जाएगी तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो जीन्स की वेरिएबल कॉस्ट है वो है फाइव हंड्रेड रुपीज़ और जो इसकी फिक्स कॉस्ट है वो है टू हंड्रेड रुपीज़ तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टोटल सेवन हंड्रेड रुपीज़ है ये मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट है इसमें तमाम मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट शामिल है तो ये जो फाइव हंड्रेड और टू हंड्रेड रुपीज़ हैं जो कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हैं ये हमारे पास जीन्स की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी तो इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह की कॉस्ट या तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं उसको हम कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा आया है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं हैं उसे हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट है अब यहां पे एक और जो पॉइंट रेज होता है वो ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो चले हमें पर यूनिट गिवन होती है लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं होती बल्कि फिक्स कॉस्ट हमें टोटल में गिवन होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट को कैलकुलेट करेंगे और इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड

400 यूनिट्स की कैपेसिटी है तो अब इसके थ्रू हम रेट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरहेड का एबजॉपन 4000 थाउजेंड को डिवाइड कर देंगे 400 यूनिट्स पर तो ये रूपीज टेन जो है वो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉप्शन रेट आ जाएगा जिसको यहाँ पे हमने एफ ओ ए आर से डोनेट किया है फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉप्शन रेट तो अब जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा तो उसमें वो ये टेन रुपीज करेंगे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज जो मटेरियल कॉस्ट है वो हमारे पास थर्टी रुपीज की है लेबर कॉस्ट फिफ्टी रुपीज की है फैक्ट्री ओवरहेड की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टेन रुपीज की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एब्जॉर्बन कॉस्टिंग केस में थर्टी रुपीज प्लस फिफ्टी रुपीज प्लस टेन रुपीज और प्लस टेन रुपीज फिक्स्ड ओवरहेड का रेट भी इसमें शामिल कर देंगे तो तब ये हमारे पास जाकर हंड्रेड रुपीज एक जीन्स की जो कॉस्ट है वो बनती है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इसके अलावा अगर बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इस्तेमाल करती है क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एब्जॉर्ब कॉस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें क्योंकि एब्जॉर्ब कॉस्टिंग सिस्टम किसी भी आइटम को अंडर वैल्यू नहीं करता जिसके थ्रू जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है किसी अंडर वैल्यूएशन के बगैर और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एब्जॉर्पन कॉस्टिंग को इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि वो फिक्स कॉस्ट को भी देख सकें और फिक्स कॉस्ट की भी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकें एब्जॉर्पन कॉस्टिंग सिस्टम में तो इस तरह से हम कॉस्टिंग सिस्टम को समझ चुके हैं कि कॉस्टिंग सिस्टम में जो इन्वेंट्री है या प्रोडक्ट है उसको तमाम तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज की जाएंगी जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल और फिक्स की एग्जांपल लेकर भी देखा नेक्स्ट जो हमारे पास कॉस्टिंग सिस्टम है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम अब देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में बेसिकली सिर्फ जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यूनिट को चार्ज की जाती है और मार्जिनल कॉस्ट को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो एक एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेगी उस पर जितने भी कॉस्ट लगेगी उसको बनाने में वो तमाम मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी और वही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी होगी मतलब एडिशनल यूनिट बनाने पर जितनी कॉस्ट लगेगी अब यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर एडिशनल यूनिट बनाने पर जो कॉस्ट लगेगी उसकी बात हो रही है उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है जिसमें लेट सपोज कि एक यूनिट बनाने में दस लगते थे वेरिएबल कॉस्ट के अब जब एक हजार एक यूनिट बनेगी मतलब ये एक हजार के ऊपर जो एक यूनिट बनेगी उस पर भी रुपीज टेन ही लगेंगे तो ये जो रुपीज टेन लगेंगे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में हमने ये तो देख लिया कि सिर्फ वेरियबल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यूनिट को चार्ज होगी तो फिर फिक्स कॉस्ट का क्या होगा तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट लेके चलेंगे मतलब पीरियड कॉस्ट से क्या मुराद है कि पूरे अरसे की जो कॉस्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट को शामिल करेंगे जैसे कि सपोज अगर रेंट है रुपीज का तो इस रेंट को हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ऊपर किया के रेंट को डिवाइड कर दें फोर हंड्रेड यूनिट से तो फिर हम उसको पर यूनिट कर लें बल्कि इसमें हम क्या करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस रेंट को टोटल एक्सपेंसिस में चार्ज कर देंगे एज अ पीरियड कॉस्ट मतलब अगर एक साल के लिए स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये जो एक्सपेंस है इसको पूरे साल के ऊपर चार्ज कर देंगे एज अ पीरियड कॉस्ट तो मतलब क्या हुआ कि मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चार्ज करते हैं अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स थी एक थी जीन्स और दूसरी थी टी शर्ट अब अगर शर्ट की बात करें कि अगर हम शर्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग पे उसकी कॉस्टिंग करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास फाइव हंड्रेड रुपीज की थी तो शर्ट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज होगी मजीद टू हंड्रेड रुपीज हम उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे तो मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया और जो रिमेनिंग की फिक्स कॉस्ट होगी उसको हम स्टेटमेंट में एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज कर देंगे मजीद अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम नेट प्रॉफिट पर यूनिट को लेकर चलते हैं और इसको क्यों लेकर चलते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को चार्ज किया होता है अपनी प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे हमने टी सी लिख दिया टोटल कॉस्ट के लिए वी सी वेरिएबल कॉस्ट और एफ सी फिक्स कॉस्ट तो सेल्स में से हम वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह की कॉस्ट लेस करते हैं तब हमारे पास प्रॉफिट आता है और इस प्रॉफिट की बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन टैक्स को भी कैलकुलेट करती है तो यहां पर एब्जॉर्ब कॉस्टिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को इसलिए लेके चलती है क्योंकि ऑलरेडी वो फिक्स कॉस्ट को लेस कर चुकी होती है अपने सेल्स रेवेन्यू में से इसी तरह से अब अगर मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम की बात की जाए तो वहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लेके लेके आगे बढ़ा जाता है या उसको इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों क्योंकि हमने मार्जिन कॉस्टिंग में बात की थी कि सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को क्यों लेस करेंगे क्योंकि मार्जिन कॉस्टिंग में हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं इसलिए जब सेल्स में से कॉस्ट लेस होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी

टोटल में हमेशा सेम रहती है बेशक एक यूनिट बनाई जाए या बेशक 1000 यूनिट्स बनाई जाए, तो इसलिए यहां पर फिक्स कॉस्ट को इनरेलीवेंट कह दिया जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं है और नॉर्मली भी मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है वो हमेशा कंट्रीब्यूशन की बेसिस पर लिए जाते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिन कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ये कहते हैं कि कॉस्टिंग का इस्तेमाल करें ताकि ये पता चल सके कि कॉस्ट भी कितनी है और उसकी बेसिस पर टैक्स की बेहतरीन कैलकुलेशन की जा सके और इस तरह से फिर हमने ये देख लिया कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है और ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों कॉस्टिंग के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को किस तरह से चार्ज कर सकती है और कौन कौन से इनमें से प्रॉफिट को वो देख सकती है तो यहाँ पे हमने देखा था कि वो नेट प्रॉफिट और यहाँ पर देखा था कि वो कंट्रीब्यूशन को लेके अपनी तमाम डिसीजन मेकिंग में, में इस्तेमाल कर सकती है तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि कॉस्टिंग क्या है एबजॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग में क्या फर्क है और ये दोनों कॉस्टिंग किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है